हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और नए व्लॉग के साथ दोबारा मैं आ गया हूँ। आज मैं अपने बाइक की सर्विस करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी उसकी वीडियो बना रहा था और कुछ मॉडिफिकेशन जो मैंने अपनी करी है अपने बाइक के अंदर, वो दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन अपने बाइक के लिए कर रखी है। क्योंकि ये जो बाइक है ना, ये हल्द्वानी में एक लौती बाइक है जो पूरी लोडेड है, यानी हिमालयन, पूरे हल्द्वानी की एक लौती पूरी फुली लोडेड हिमालयन है। तो मैं सोचा कि आज इसका व्लॉग बना लूँ। क्या पता उत्तराखंड के अंदर भी शायद ही फुली लोडेड एक लौती बाइक हो, मे बी, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर तो फिलहाल एक ही हिमालयन है जो कि इतनी लोडेड है, और इसके बाद मेरे दोस्त की ही है, हेमंत की, जिसने बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन कर रखी है अपने बाइक के ऊपर। और मॉडिफिकेशन के अलावा, क्योंकि ये व्लॉग इसलिए बन रहा था क्योंकि कल हम जाने वाले हैं, मैं, हेमंत, आवास और कार्तिक और महेंद्र भैया, हम जाने वाले हैं देहरादून। और देहरादून जाने का 3 दिन का हमारा ट्रिप है, मे बी वो 3 से 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन जो 3 से 4 दिन है ये बहुत प्यारा व्लॉग बनने वाला है और बहुत एडवेंचर वाला व्लॉग है, तो इसको मिस मत करना। ये व्लॉग ज़रूर देखना, 3 दिन का जो व्लॉग है उसना, और आज जो व्लॉग है उसको भी पूरा देखने का है। और ये जो मेरी बाइक है हिमालयन, इसका भी नंबर आ गया है जो कि मेरी इन कार और बाइक से मिलता जुलता है। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा और बहुत टाइम लग गया इस नंबर को लेने के लिए, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे आके वो नंबर मिले। फॉर्चुनेटली हमको वो नंबर मिल चुका है, और दोबारा से अपनी गाड़ियों की जो सीरीज का जो नंबर चल रहा था वो हमने मेंटेन कर दिया, यानी आप समझ तो गए होगे। तो लास्ट के एंड तक वो नंबर प्लेट भी मेरी गाड़ी में लग जाएगा। तो चलते हैं दुकान, उसके दुकान जाने के बाद मैं जाऊँगा शोरूम में अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो लास्ट टाइम भी मेरे ब्लॉग में क्या हुआ था, BMW का एक तो वाला ब्लॉग पूरा ख़राब हो गया था। आज भी ब्लॉग शायद ही ख़राब होने वाला था, क्योंकि जब भी मैं बैटरी गया था बता नहीं ड्रेन होने लगी। या तो ये GoPro ख़राब है या फिर बैटरी ख़राब है। मुखानी पहुंच गए और यहाँ पहुंचते मिल गया हमको जाम। मुखानी जब भी पहुंचो तो यहाँ जाम ही मिलता है, कि गाड़ियाँ इतनी सारी है और रोड इतनी छोटी है तो जाम लगता ही लगता है। तो कितने मतलब उल्लू आदमी यहाँ जाम लगा दिया, मतलब टेढ़ा खड़ा करके चले गया। क्या बोले यार, लोगों को सेंस नहीं होता है कि गाड़ी किस तरीके से पार करना चाहिए, रोड आधा ब्लॉक कर रखा है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गाड़ी गलत खड़ी कर रखी है, इसके चक्कर से आधा रास्ता वैसे बंद हो जा रहा है। कम से कम चलान तो कर दो उसका। तो दुकान का काम निपटा दिया है, साफ सफाई वगैरह करवा दी है, और अब मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ। हेमंत को मैंने भेज दिया था आगे, तो वो मुझे मिलेगा DC पे, और भैया तब तक शॉप आ जाएगा। ओहो हो, और गर्मी इतनी लग रही है ना। ओ आइए, तो गर्मी भी ज़्यादा है और जितने दिन बढ़ते जाएंगे इतनी गर्मियाँ बढ़ती जाएगी, तो जैकेट धीरे धीरे उतरने लग जाएगी। हेमंत को मिलता हूँ मैं, और हेमंत की बाइक भी आज मैं आपको दिखाऊंगा और अपनी बाइक भी दिखाऊंगा कि दोनों में मॉडिफिकेशन क्या क्या है। आज तो ग्लोरी बंद है तो अपना नंबर प्लेट का काम कैसे होगा। तो यहाँ मेरे को अपना नंबर प्लेट का काम करवाना था। तो यहीं कहीं हेमंत भाई वेट करेंगे, कर रहे होंगे, मैं तो कॉल करके पता करता हूँ या फिर यहीं पे दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको कहा था पेट्रोल पंप पे रुक जाना। हेमंत भाई, हेमंत भाई, तो दे रहे हेमंत भाई। इनकी गाड़ी की थंब सुनो, कितनी प्यारी थंब आ रही है। तो पहुंच गया हूं मैं रॉयल एनफील्ड,
करानी है जल्दी जल्दी सर्विस। हाँ आज तो भीड़ भी कम है अंदर, लेकिन गाड़ियाँ लगी होंगी अंदर पैक। इसकी ऑन क्यों जा रही है बार बार ये फ्यूल पंप ऑन करने पे, ये बंद भी नहीं हो रही यार। किलोमीटर वाइज ही होगी इसकी। लकी कैसा है? अबे कहाँ जा रहा है, मेरी गाड़ी की सर्विस कौन करेगा? हैं सर्विस कौन करेगा? मेरा आरा वाली हो गया फिर ही। आजा तो ये एग्जॉस्ट लगा रखा है मैंने, जो कि है आपका पावर रेस का, और फ्लैशर जो इसमें लगे हैं, टॉप रैक का माउंट, सैडल स्टे, सैडल पैनियर्स भी लगे हैं, और हैंडल गार्ड, और बोबो का मोबाइल चार्जर वायरलेस, ये वायरलेस है ना? वायरलेस है। वायरलेस चार्जर और मिनी ड्राइव जो कि इधर मिनी ड्राइव लगी है, और ये लगे हैं मैड डॉग के अल्फा जो कि बहुत ज़बरदस्त गाइड है। मेरे और हेमंत के दोनों के अल्फा लगे हुए हैं, बस हेमंत ने एक एक्स्ट्रा लगा रखी है ये मिनी ड्राइव। मैंने भी ली थी, कौन सी ली थी जो मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है? स्काउट एक्स। पर उसका मुझे माउंट का कुछ मतलब पता नहीं चल पा रहा कि किधर मैं लगाऊँ, इसलिए मैंने उसको अभी होल्ड कर रखा है। लेकिन देखो कितनी लोडेड है, हल्द्वानी में दो ही सबसे ज़्यादा लोडेड, हल्द्वानी या कुमाऊँ में सिर्फ दो ही दो बाइक हैं जो फुली लोडेड है, एक हेमंत भाई की और एक अपनी। तो लोडेड ज़रूरी है, देखो इसने एक ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है विंडशील्ड, हैंड बार राइजर भी लगा रखा है। तो मुझसे ज़्यादा ही अगर कहोगे तो मुझसे ज़्यादा ही मॉडिफिकेशन इस बाइक में है, तो मेरी सेकंड नंबर पे है और हेमंत भाई की पहले नंबर पे है। सच है यार, तुम्हारी पहले आती है मेरी बाद में आती। अरे नहीं, तुम पर टॉप बॉक्स तो है, मेरे पास एक टॉप बॉक्स है एक्स्ट्रा, और बाकी सब हेमंत भाई की गाड़ी में लोडेड है। अभी और कुछ भी कराओगे या हो गया? ना हो गया, बस मन भर गया, कुछ नहीं, कुछ मन करा तो देखते हैं। वैसे हमारी गाड़ी लोडेड ही है, और कुछ इसमें बस एक वो जो हमारे कहते हैं स्टैंड में एक छोटी सी वो आती है स्टैंड एक्सटेंडर वो लगा सकते हैं, बाकी जब लद्दाख जाऊँ तो जेरिकन लगाऊंगा उसमें। हाँ जेरिकन, लेकिन हल्द्वानी में रह के इसका कोई यूज़ नहीं है, और हल्द्वानी में है तो कोई यूज़ नहीं है। वो लद्दाख राइड अगर होगी उससे पहले ही होगा, उससे पहले ही कोई यूज़ नहीं है, वरना कोई यूज़ नहीं है। बैग आते हैं यहाँ पे जो लगते हैं, यहाँ पे बैग लगा सकते हो, वो भी इतना यूज़ के लिए नहीं, जब आपका टॉप रैक है, सैडलेस पैनियर्स हैं, राइड टूरिंग के लिए ठीक है, पानी की बोतल रख लो। हाँ वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो चला रहा हूँ। तो अभी हम निकले हैं मैगी खाने के लिए, और इधर ही पास में एक लोकेशन है, मैं दिखाऊंगा आपको कितनी प्यारी लोकेशन है, वहाँ जाएंगे, बस रिवर के जस्ट बगल पे ही है। हो रास्ता भूल गया था, क्योंकि मैं एक ही बार आया हूँ, हेमंत तो आते रहता है। लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, सामने रिवर और रेस्टोरेंट। तो हम तो कई बार वहाँ से, मतलब जब मैं लास्ट बार आया था तो यहाँ से हमने नीचे ऑफ रोडिंग करने के लिए गाड़ी डाल दी थी, और बहुत अच्छे शॉट्स लिए थे इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ दिख जाएंगी यहाँ की। तो यहाँ चाय वगैरह करके अब हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड। तो अभी एक दिक्कत आ गई, आवाज़ की बाइक स्टार्ट हो नहीं रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि इंजन पता नहीं साउंड ले, मतलब इग्निशन ऑन नहीं हो पा रहा। रुको धक्का मारता हूँ, रुको न्यूट्रल करो। ओ स्टार्ट नहीं हो रही। ओह
हो गई स्टार्ट। चलो कोई नहीं, अभी रॉनफील्ड ही जा रहे हैं तो शायद वहाँ एक बार चेक करवा लेंगे कि बैटरी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हाँ, तो राइट से पहले चलो, दिक्कत आ गई राइट के बीच में, दिक्कत नहीं आई। तो सर्विस हो गई है और धोई, लेकिन इतने प्यार से नहीं धोई है, इतना बढ़िया करके धोई नहीं है, गंदी हल्की हल्की लगी रही मुझे। बस दुकान पर एक बार घर पहुँचूँगा तो पॉलिश मार लूँगा तो उसका थोड़ी सी चमकने लगेगी। तो वहाँ आवाज़ भाई और हमें यहाँ अपनी करा रही बिलिंग। तो सर्विस हो गई और पर्चा भी ज़्यादा बड़ा बना नहीं, छोटा सा ही बना है। अब यहाँ से चलते हैं हम नंबर प्लेट चेंज करवाने के और उसके बाद शॉप पे। तो ग्लोरियम पहुंच गए हैं और यहाँ अभी अपना नंबर प्लेट बदलते हैं, क्योंकि ये नंबर हटाना पड़ेगा क्योंकि आरसी मेरी नहीं आ गई, तो नंबर प्लेट भी नए लगेंगे। कैसे भैया? वह बढ़िया है, वह बढ़िया है। तुम्हारी बन रही है, तुम्हारी दुकान की भी बन रही है। मैं कह रहा हूँ ना, नंबर प्लेट बदलना है इसके। ऐसा मूड बनाओ, नंबर बदल दिया मैंने, यहाँ ट्रांसफ़र करा ली ना गाड़ी। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अरे नंबर प्लेट दूसरी लगा दो ना। नहीं वो तो कह रहा हूँ, नहीं लग पाएगी। हाँ फिलहाल रात के 9 बज गए और मैं घर पहुंच गया हूं, और जो मैं मॉडिफिकेशन किया था तो उसके मैंने कुछ भी व्लॉग बनाया नहीं, भूल गया था। तो अभी मैं बता देता हूं कि क्या क्या मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है। एक तो सबसे पहले मैंने ये जाना का लेग गार्ड लगा रखा है, और उसके बाद ये मैडॉक्स की लाइट मैंने लगाई है अलग से। उसके बाद ये बोबो का चार्जर है, वायरलेस चार्जर, वाटरप्रूफ चार्जर ये लगाया। उसके बाद ये मिरर्स लगाए हैं, जो ये वाले मिरर्स हैं ये टूर मिरर्स हैं, तो ये भी मैंने रॉयल एनफील्ड से लगवाया था, जो कि मुझे अराउंड 6000 के आसपास बैठा था। और उसके बाद आज ही मैंने इसमें सिमटेक का फ्लैशर लगाया, तो इस टाइप से कुछ फ्लैश करती लाइट। साथ में अगर मैं बात करूँ मैडॉक्स लाइट की, तो कितनी पावरफुल लाइट है, बहुत पावरफुल लाइट है इसकी, रात में तो बहुत ही ज़्यादा काम देती है। उसके बाद ये हैंडल गार्ड लगवाया था मैंने, साथ में जो ये विंडशील है ये लगवाई थी। तो लाइट ऑफ करते हैं, विंडशील में मैंने ब्लैक कर दिया इसको पूरा, फुली ब्लैक, वो भी आज ही करवाया, दो काम मैंने आज करवाए। उसके बाद सबसे मेन पेनियर्स, सैडल्स थे और पेनियर्स ये लगाए मैंने रॉयल एनफील्ड से। उसके बाद ये टॉप रैक और उसके ऊपर लगेगा अभी टॉप बॉक्स, तो मैं टॉप बॉक्स फिट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये टॉप बॉक्स भी लगा दिया मैंने, तो मोटो कैन का ये टॉप बॉक्स है, तो बहुत अच्छी स्पेस है। तो अगर मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो टूरिंग के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक मेरा ये हो गया पैनियर्स और ये हो गया टॉप बॉक्स, तो जितना मैं लोड करना चाहता हूँ सारा सामान लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ दिखती बाइक, अंधेरे में तो ज़्यादा कुछ दिखेगी नहीं, लेकिन इतना हो सके तो इस टाइप में लुक आ रहा है इसका, बहुत प्यारी लगती है। और जब रोड प्रेजेंस इसका बहुत तिकड़ा है। और बात करूँ मैं नंबर प्लेट की, तो ये है 60-70, तो मेरी तीन गाड़ियों में 60-70 है, जो मेरी रॉयल एनफील्ड थी उसमें भी 60-70 है, और जो मेरी कार है उसमें भी 60-70 है। तो अभी मेरी दोनों गाड़ियाँ मेरे नानी के घर में है, इसलिए मैं नंबर दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं उसके बाद कुछ अगर स्टोरीज होंगी तो आप मेरी स्टोरीज में जाके चेक कर सकते हो। तो आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नए व्लॉग में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।